राजस्थान में बहुत सारी शिक्षक भर्तियां पेंडिंग हैं, जिसको लेकर के समय समय पर मैंने आपको बहुत सारी अपडेट बताई हैं। लेकिन अभी एक और बेहतर अपडेट है, और वो अपडेट क्या है अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो कल 25 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री भजन लाल जी, आपसे बेरोजगारों को काफी उम्मीद है, मतलब ये ट्रेन चलाया भी जा रहा है, क्योंकि ये बात कहने पे, हालांकि बड़ी लोग सोचते हैं कि आप पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी पार्टी को आप उस तरीके से कह रहे हैं। नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात करता हूं, अपने दोस्तों की बात करता हूं, अपने भाई बहनों की बात करता हूं जो बेरोजगार हैं, जिनको इस वक्त रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं उनको लेके बात कर रहा हूं। और एक बेरोजगार व्यक्ति का कोई पार्टी नहीं होती है, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई उसको चाहिए रोजगार। जो सरकार वर्तमान में है उसकी जिम्मेदारी है कि वो रोजगार को दे। राजस्थान में सालों से भर्तियां पेंडिंग है, कुछ नहीं आ रहा है, कोई भर्ती आ ही नहीं रही है। तो 25 सितंबर को इसको कैबिनेट की बैठक हो रही है। आप कल की बैठक में शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अपना रीट, पीटीआई, कंप्यूटर निदेशक की नई भर्तियों की घोषणा कीजिए, जिनकी बहुत सारी भर्तियां, तकरीबन 1 लाख के आसपास भर्तियां खाली हैं। मैं आपको पहले कई बार सूचना दे चुका हूं, नवीनतम डेटा जो हमने उससे पूछा था, जो यहां पे इन बच्चों ने ट्रेंड करके, जो इस न्यूज वगैरह पे ट्रेंड करते रहते हैं लोग जो है, उनके डेटा को भी अगर देखेंगे तो शिक्षा मंत्री जी ने पहले भी कहा भी था कि भैया 3 साल में एक भी पद रिक्त नहीं रहेगा, और करेंगे। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट ग्रेड में 7,000 पद खाली है, सेकंड ग्रेड में 10,000, थर्ड ग्रेड में 35,000 पद खाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा पद खाली है। तो अब देखते हैं कि लगभग लगभग जिसकी हम बात कर रहे हैं भैया, लगभग लगभग राजस्थान में फिलहाल के लिए भी जो 50,000 से भी ज्यादा जो पद रिक्त हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कंप्यूटर निदेशक, रीट के, उनको लेकर के कल 25 सितंबर को कैबिनेट का जो बैठक है, कैबिनेट का फैसला है, और उसमें लोग क्या फैसला लेते हैं इसके मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सभी, मेरे सभी भाई बहनों से बस मैं इतना कहना चाहूंगा, हर जगह जगह पे टैग करिए इनको, सरकार को टैग करिए, मुख्यमंत्री भजन लाल को टैग करिए, सीएम ऑफिस को टैग करिए कि भैया हमें भर्ती चाहिए। समय अपने हक के लिए लड़ाई करने का, अपने हक की चीज को अब आपको छीन करके लेना होगा, क्योंकि अगर आप सोचने कि प्यार मोहब्बत से प्रेम से आप बैठे रहेंगे, चीजें नहीं होंगी। ध्यान रखना भैया, राजस्थान में शिक्षक भर्ती लेनी है, कल 25 सितंबर को कैबिनेट की बैठक है, आज 24 तारीख है, जितने मैं वीडियो बना रहा हूं लगातार इसको लेकर के ट्रेंड चलाइए, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जहां पर भी है आप अपना वीडियो बनाइए, डालिए, कुछ नहीं होता है, मोबाइल ऐसे लिया बस ऐसे डाला, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, फेसबुक पर डालिए, ट्विटर पर डालिए, टेलीग्राम पर डालिए, डिमांड करिए शिक्षक भर्ती की हर एक लेवल पर। अगर आपके जैसे हजारों लाखों विद्यार्थियों के द्वारा एक एक शॉर्ट इस तरीके से वायरल होने लगे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, डिमांड हमको चाहिए शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती, तो निश्चित तौर पे आलाकमान सरकार जो बैठी है, जो सोई हुई है, जिसको बेरोजगारों के लिए कुछ मतलब ही नहीं है, जिसको सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षकों से मतलब ही नहीं है, जिसको शिक्षा प्रणाली से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है उनके कानों पर थोड़ी जू रहेंगे और उसको लेकर के काम करें। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। लोग तमाम कभी कभी कहते हैं कि आप तो अलग तरीके की बात करते हैं, आप अलग तरीके की बात करते हैं, हर एक संदर्भ की मैं अलग अलग बात करता हूं, लेकिन यह बात सच है कि मैं अपने छात्रों के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति हमेशा कई बार बहुत हद तक जाके वीडियो बना दिया हूं, जिसको लेके कई बार तमाम मुकदमे की धमकियां भी आ जाती हैं कि साहब फलाने नेताजी के खिलाफ आपने कैसे कह दिया, शिक्षा मंत्री पे आपने ये एलिगेशन लगा दिया तमाम, लेकिन मैं कभी डरता नहीं हूं, क्योंकि हम सच की तरफ है, टेक्स्ट बुक सच की तरफ है, मैं अनुपम भारद्वाज सच की तरफ हूं, आपकी भर्तियों के लिए लगातार हम लोग आवाज उठाते रहेंगे, मेरे साथ में बने रहिए। सपोर्ट करना चाहें तो सपोर्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने विचार ऑफलाइन वीडियो के नीचे डालिएगा, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगा, कोई पेड बैच का प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अभी तब तक आप इन सब्जेक्ट के सेल्फ स्टडी करने के लिए अपना नोट्स वोट्स बनाते रहिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर पर लेते रहिए, बाकी इसकी क्लास यूट्यूब पर, पेड में, सब जगह पर मिलाता रहूंगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके या SST बाई अनुपम सर कमेंट करके। नमस्ते, राम राम, और आपके राजस्थान में कहते हैं ना खम्मा घड़ी सा, जय हिंद, जय भारत।